हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाई हूँ और मेरे पास ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो गाइस, ये जो वीडियो है आज मैं बना रही हूँ मेकअप ब्रश के बारे में। गाइस, तो मेकअप ब्रश जो होते हैं हमारे काफ़ी टाइम तक हम यूज़ करते हैं, बट उनकी क्लीनिंग का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है अगर आप एक ही ब्रश को बार बार यूज़ करेंगे। या कई बार होता है कि कई बार कुछ लोग हमारा ब्रश यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में आप इन ब्रश को अगर साफ़ करके रखेंगे तो आपका ही इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बताने वाली हूँ आपको इन ब्रश को कैसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फाउंडेशन लगाने वाला ब्रश है और ये आईब्रो का ब्रश है, ये हम जो पैक वगैरह लगाते हैं, और ये ब्लशर वगैरह का है, ये आई शेडो का है। तो ये जो ब्रश होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो आज मैं इनको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, इसके लिए आपको कोई भी एक बाउल ले लेना है, जैसे कि मैंने लिया हुआ है, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम, यानी कि ज़्यादा गरम नहीं, हल्का सा गरम बस आपको पानी कर लेना है, 10% गरम कर लेना है। और जैसे कि ये पानी बिल्कुल हल्का सा गरम है, और ज़्यादा गरम करेंगे तो आपका जो ब्रश है वो ख़राब होने का डर रहेगा। तो मैंने ये पानी हल्का सा गरम लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये शैम्पू। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं नॉर्मल घर में, वो यूज़ कर सकते हैं, या बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। सर्फ वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, शैम्पू ही लीजिएगा। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो ये सारे ब्रशेस हैं उनको इसमें हम डाल देते हैं, और इनको कम से कम, देखिए डालते ही कितना सारा ये फाउंडेशन निकल रहा है इस ब्रश में, तो कम से कम 15 मिनट के लिए डिप करके ऐसे ही रख देते हैं। 15 मिनट के बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो गाइस, अब 15 मिनट हो चुके हैं और हम अपने ब्रश को देख लेते हैं। तो देखिए काफ़ी क्लियर हो गए हैं, बस इनको आपको हाथ से थोड़ा थोड़ा रब कर देना है इस तरीके से। और देखिए अब भी कितना फाउंडेशन निकल रहा है, क्योंकि फाउंडेशन का ब्रश है। इनको इसी तरीके से आपको रब कर देना है सभी को, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो देखिए काफ़ी सारा गंदा पानी निकल रहा है, और इनको बिल्कुल अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। तो इनकी क्लीनिंग फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप शैम्पू लीजिए और थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लीजिए और उसमें इनको क्लीन कर लीजिए इस तरीके से। देखिए कितना गंदा पानी निकला है, ये फाउंडेशन वगैरह कॉम्पैक्ट जो भी था सब कुछ इसमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फेंक देंगे और नॉर्मल पानी में इनको एक बार वॉश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी लेके आती हूँ। तो गाइज़ देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में धो लेंगे। मैंने एक बार पहले भी धो चुकी हूँ इसको, उस पानी में से निकालने के बाद, और इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए इस तरीके से। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे कोई बिल्कुल साफ़ और क्लीन टॉवल। तो गाइज़ मैंने ये टॉवल ले ली है अपनी, और इसके ऊपर आप ये सब जो ब्रशेस हैं ये डाल दीजिए, और बस हल्के हल्के हाथों से ये प्रेस करना है इस तरीके से। ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से प्रेस करना है इस तरीके से। और फिर इसके बाद आपको बस एक प्रोसेस और करना है, इन ब्रश को पहले जैसी शेप में लाना है। तो इनको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से, जैसे ये नॉर्मल थे ऐसे कर दीजिए, ताकि इनकी जो शेप है वो चेंज ना हो, बस इस तरीके से। अब इनको आप सुखा लीजिए और फिर ये रीयूज़ हो जाएंगे आपके ब्रशेस। तो इस तरीके से आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।